निर्माता एक राष्ट्र निर्माता। आ रहा हूं भाई, जरूर बेगम का होगा। जब से मायके गई हैं रोज इसी वक्त कॉल करती हैं। हेलो। मेरा अंदाजा सही था। हाँ बोलो। अच्छा बाबा बोलो, नहीं फरमाइए जी। जी जी, तो किस्सा मुख्तसर ये है कि ससुराल आने से पहले आपकी सहेली डॉक्टर शाइला से मिलते आऊं। हाँ, मुझसे काम? आपका हुक्म सर माथे पे सरकार, मैं आज ही चला जाऊंगा। आज नहीं, आने का भी कह नहीं सकता, पर कभी भी टपक सकता हूं। क्या करें भाई, नई नई शादी हुई, बीवी की बात तो माननी पड़ेगी। अम्मा नाश्ता लगा देना। बहू का फोन था? हाँ, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम्हारी बहुत ही फिक्र है उसे। साहब आपका नाश्ता लग गया है। डॉक्टर शैला। बीवियर ऑफ डॉग्स। वाह, ये भी खूब रही। गेट पे ही जिक्र कर दिया है कि अंदर कुत्ता है, ताकि लोगों से किनारा कशी हो सके। पर जनाब, हमें तो अपनी नई नवेली बेगम का हुक्म बजा लाना है। कुत्ते का खतरा तो उठाना ही हो। टिप्सी। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। I'm sorry मिर्जा साहब। अरे ये क्या, आप तो जख्मी हो गए। नहीं कोई बात नहीं, ये मामूली चोट है। अरे नहीं, मैं अभी लोशन से ड्रेसिंग कर देती हूँ। आप बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जख्म पर फौरन ड्रेसिंग करवाना जरूरी होता है, वरना 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 क्या? वरना टेटनस हो सकती है। टेटनस? ये क्या होता है? ये जहरबाद जैसा एक मोजी मर्ज है, जिसका कोई इलाज नहीं। आपको इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, एंटी टेटनस। आप यहीं रुकिए, मैं सारा इंतजाम करती हूँ। चलिए। कुत्ते, तुम्हें मेहमानों के इस्तकबाल का और कोई ढंग नहीं आता?
हालत तो आप देख ही रहे हैं ना। गले में पड़ी हुई ये पट्टी और उसमें जकड़बंद किया हुआ है ये हाथ। कोई पूछेगा तो क्या बताऊंगा कि मेरे पीछे कुत्ते पड़े थे। आप भी किसी से कुछ मत बताइएगा। मियां ये क्या पट्टी कैसे बांध रखी है? बड़े मियां डॉक्टर शाइला ने तोहफा दिया है। समझ गया बरखुरदार, जरूर तुमने डॉक्टर शैला को छेड़ा होगा, वो है ही छेड़ने लायक चीज। शाबाश। रोको भैया। अरे हुजूर, ये हाथ को क्या किया? एक खैरियत तो है ना? बस सड़क पर जरा सी रगड़ लग गई थी, डर से कहीं टेटनिस ना हो जाए पट्टी बंधवा ली। लाहौल विला कुफर, टेटनिस को लानत भेजें, पट्टी खोल कर फेंक दें और उसकी जगह सिंदूर और तेल रगड़ कर लगा लें, ठीक हो जाएंगे। अगर ये इलाज पसंद ना आए तो एक नुस्खा और भी है। वो भी बता दे। अजी टूटे हुए घड़े की मिट्टी और नीम की छाल अपनी लार में रगड़ कर लगा लें, अजी रातों रात ठीक हो जाएंगे। मशवरे के लिए शुक्रिया, आप मुझे घर ही पहुंचा दें। आइए जनाब। चलो जनाब। चलिए। ठीक है। मेरा घर आ गया है, यही उतार दें। अब घर का एक एक फर्द पट्टी की दास्तां पूछेगा। ये कमबख्त मेरे लिए शैतान की आंत होती जा रही है। अरे बरखुरदार, ये क्या? जब घर से निकले थे तो बोले जंगे थे। हुआ यूं कि मैं डॉक्टर शैला के घर गया था। अभी अंदर खबर करता हूं। टेटनस कमबख्त मरे अंग्रेज छोड़ गए हमारे वतन में, बहुत ही मूजी चीज है। मरी कोई विलायती शाक सब्जी है? अगर विलायती है तो जरूर बेहद जहरीली होगी। नहीं फुफू, टेटनस तो एक तरह का फूडिया होता है। ये निगोड़े डॉक्टर मरीजों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए उल्टे सीधे नाम रख देते हैं। बंद कीजिए ये तकरीरबाजी। अम्मा बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें टेटनस हो गया है? फुफू बस करे, मामूली सी चोट आई है। आखिर पता तो चले कि तुम्हें हुआ क्या है। हुआ यूं कि मैं डॉक्टर शैला के घर जा रहा था। बस ये बात हो गई। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ददन, मेरी 4 बजे की गाड़ी है, मेरा सामान तैयार कर देना। और खबरदार, जो दोबारा टेटनिस के बारे में जिक्र किया या पट्टी के बारे में पूछा, हद हो गई, पट्टी ना हुई नूर महल की सराय हो गई। मिया, ये हाथ में पट्टी कैसी? मिया, कहीं आप कोई इलाज तो नहीं बताने वाले? हमारे खालू हकीम हैं, कहें तो पहले उनके यहां ले चलूं। आप मुझे स्टेशन पहुंचा दे तो बड़ी इनायत होगी। जी।
अच्छा अबू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, पट्टी बदलवाते रहना। चलो भाई चलो। अरे मिर्जा साहब, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, प्लेटफार्म पर ट्रेन का धुआं खाने आया हूं। तुम तो पट्टी के बारे में पूछ रहे हो? जी हाँ, सफर पे निकला हूं। अरे ये हाथ में पट्टी कैसी? कोई बात नहीं, मामूली चोट आई है। चोट तो लग गई, लेकिन कैसे लगी? सड़क पर गिर गया था, चोट आ गई। कोई और बात तो नहीं मिर्जा साहब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हैं। टेटनस का डर तो नहीं? कमबख्त नाम तो सुना है, लेकिन मालूम नहीं होता क्या है। टेटनस एक तरह का बुखार होता है, जिसमें छींके बहुत आती है। कमाल है, मगर हमारे बहनोई साहब तो कहते हैं कि टेटनस जहरबाद होता है। जब आप सब जानते हैं तो फिर मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हैं? आप तो बुरा मान गए, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं गुस्सेल नहीं हूं, अगर आप भी मेरी जगह होते तो शायद आप यही करते। अरे भाई साहब, ये आपके हाथ में पट्टी कैसी? मेरी पट्टी से तुम्हें क्या नस्बत? तू अपने काम से काम रख। घाव हो गया। कैसे? बात दरअसल ये है कि मगरमच्छ ने काट खाया है। मगरमच्छ ने? जी हाँ। कैसे मियाँ, कैसे काटा? अब इनको तफसील जाननी है। ठीक है बच्चू, थोड़ी तफरीक हो जाए। मुंह से काट खाया। मुंह से काट खाया होगा, पर कहाँ? यहाँ, मुंह दबाकर। नहीं साहब, इनका मतलब ये है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ मगरमच्छ ने काट खाया। अजी हजरत, किस्सा सुनाइए, कहाँ पर, कौन से दरिया या ताल में? अजी क्या मामला पेश आया जो मगरमच्छ ने हथेली पर काट खाया? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपका मतलब समझ गया। अब मैं इनको कोई किस्सा सुनाऊंगा, आप भी सुनिए और बताइएगा कि मैं अफसाना निगार बन सकता हूँ कि नहीं। हजरत, आप कुछ सुनाने जा रहे थे? असल में वाक्य यूं पेश आया कि हमारे पड़ोस में एक नदी है जिसमें एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। एक दिन मैंने 10 सेर वजनी मछली का कांटा बनवाया, उसे एक मोटे तार से एक दरख्त के साथ बांध दिया, कांटे में गोश्त लगाकर फेंक दिया दरिया में। फिर क्या, रात के 8:03 पर मगरमच्छ फंस गया। मियां, आपकी तरकीब कामयाब रही। फिर 10-12 आदमियों ने मगरमच्छ को खींचा, मगरमच्छ जोर से तड़फा और पलटा खाकर बाहर आ गया। क्या बताऊं, कितना बड़ा मगरमच्छ था। जैसे मैं पास जाकर देखने लगा तो कमबख्त ने काट खा। अच्छा भाई साहब, मेरा स्टेशन आ गया है। आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, फौज में होते तो प्रमोशन जरूर मिल जाता। अच्छा जनाब, खुदा खुदा।
अजी लीजिए, पान नोश फरमाइए। शुक्रिया। पान पेश किया है तो अब मेरी पट्टी के बारे में जरूर पूछेंगे। क्या कहा? नहीं पूछी? दारोगा लगते हैं, पूछताछ करने की तो आदत होगी। कोई और किस्सा सुनाऊंगा, ज्यादा मजेदार। क्यों जनाब, ये आपके हाथ में पट्टी क्यों बंधी है? परसों एक खतरनाक गुंडे से सामना हो गया। गुंडे से? हाँ, क्या बताऊं भाई साहब, बात दरअसल ये है कि हमारी मोहल्ले की लड़की को अगवा करने आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? गाएं, मेरे दोस्त का दिल लूटकर अब तो तुम्हें जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। ले नोनी, संभाल इसे। रुखसाना, मान जा, शादी कर ले मुझसे। नहीं, हरगिज नहीं। देखता क्या है, उठा ले, नखरे दिखा रही है। अगर आगे आया काट के फेंक दूंगा। मिर्जा साहब बचा लीजिए मुझे इन गुंडों से। खुदाया मेरी आबरू अब आप ही के हाथ में। मिर्जा साहब अबे आप ठीक तो है ना? शुक्रिया मिर्जा साहब, मेरी जिंदगी अब आपकी अमानत है। हाय अल्लाह, आप तो जख्मी हो गए। लड़की का बाप डॉक्टर था, वो मुझे उसके पास ले गई, मेरी मरहम पट्टी करवाई और आज मुझे स्टेशन भी छोड़ने आई थी। लड़की कैसी थी? हसीन थी, बला की खूबसूरत, एकदम हूर। तब तो मियां आपकी निकल पड़ी। लेकिन आपने तो मुझे बताया था कि आपको मगरमच्छ ने काट खाया। अब ये लड़की? मगरमच्छ भला कैसे काट सकता है, मुझे मगरमच्छ ने कभी काटा ही नहीं। आप भी कमाल करते हैं, मगरमच्छ काटने के लिए इनके घर कैसे आ सकता है? वैसे ये गुंडे मवाली भी किसी मगरमच्छ से कम नहीं होते, ऐसे कई मगरमच्छों के मैं दांत तोड़ चुका हूँ। इन्होंने भी कल कितनी बहादुरी का मुजाहरा किया। दरोगा साहब, यकीन माने, आपके आने से पहले इन्होंने मगरमच्छ का किस्सा सुनाया था। हुजूर, लगता है आपको मगरमच्छ कुछ ज्यादा ही पसंद है। किसी दरिया में जाकर तलाश कीजिए। आप तो खामखाम मेरे पीछे ही पड़ गए। जनाब, अगर हम पीछे पड़ गए ना तो फिर छुड़ाने कोई नहीं आएगा। कही कैसी रही? सफर आसानी से कट गया इस पट्टी की बदौलत। अगला स्टेशन मेरा ससुराल है, पता नहीं वहां कितने नए किस्से सुनाने पड़ेंगे। चलिए आप भी आइए मेरे ससुराल वालों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने। सलमा तुम आ गए? जेबा कहाँ है? आपा को नूर आपा ने रोक लिया, मुझे भी रात के खाने के लिए कह रही थी, लेकिन हो सकता है रात वहीं रुक जाए। तेरे बहनोई जी तो अभी दो चार रोज के बाद ही आएंगे। दो चार दिन मिलजुल ले अपनी बहनों और भावजों से।
राशिद मियां, आप क्यों बिना खबर किए? सलाम अलैकुम बड़ी बी। सलाम बेटा। सलाम। ओ सलमा सलमा, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? सब खैरियत से है। आप अपनी सुनाओ। या अल्लाह, खुदा खैर करे, ये आपके हाथ पर पट्टी कैसे बंधी है? कुछ खास नहीं बड़ी बी, बस जरा सी गोली लग गई। या अली, गोली? खुदा खैर करे, गोली कैसे लग गई? बंदूक से बड़ी बी। अजी इतना तो हम भी जानते हैं, गोली बंदूक से ही निकलती है, पिचकारी से नहीं। पर ये सब हुआ कैसे? बंदूक कैसे चल गई? अब एक और मनगढ़ंत कहानी सोचनी पड़ेगी। ससुराल का मामला है, यहां किसी की नाराजगी भी मोल नहीं ले सकता। कोफ तो बहुत हो रही है, लेकिन जवाब तो देने पड़ेंगे। बताइए ना, गोली कैसे लग गई? क्या किसी ने हमला किया आप पर? और कहीं तो नहीं लगी ना? शुक्र है बच गए। चुप रहे नासपीटे। हाँ तो अब क्या वाकया पेश आया था? अब बड़ी भी, अब क्या बताओ, हुआ कुछ यूं कि मुझे अपने दफ्तर के काम से एक गांव जाना पड़ा। मेरे पास कैश था। गांव के बाहर एक सुनसान राह पर जैसे मैं जा रहा था, मैंने देखा कि दो परछाइयां मेरे पीछे पड़ गई। जब मैं रुक जाता तो वो रुक जाते, जब मैं चल पड़ता तो वो भी चल पड़ते। आखिर मुड़कर मैंने पीछे देखा तो दो डाकू हाथों में बंदूक लिए मुझसे कहने लगे, तुम्हारे पास जो भी कैश है वो हमें दे दो। लेकिन मैं नहीं माना, उसी ब्रीफ केस के साथ उन्हें मारने लगा। और यूं मारने लगा कि एक डाकू ने बंदूक निकाली, उसी ने गोली मेरे हाथ में मार दी। मेरा हाथ लहूलुहान हो गया बस। लेकिन मैंने ब्रीफ केस नहीं छोड़ा और उसी ब्रीफ केस के साथ उन्हें मारने लगा। कभी वो मेरे ऊपर, कभी मैं उनके ऊपर, बस। और मार मार के उनको बेहोश कर दिया, लेकिन अपना कैश बचा लिया। वाह हुजूर, मान गए आपको। मियाँ ये इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? जेबुल नुसा तो खालू के घर गई है। अल्लाह रखे, खाला की बेटियों से जेबुल नुसा की गाड़ी छंटती है। अगर आपके आने का इल्म होता तो हरगिज ना भेजती। आप ऊपर वाले कमरे में आराम करो, मैं आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ। पर ऊपर वाले कमरे की तो बत्ती खराब है कल से। लो कर लो बात, ऊपर वाले कमरे की नहीं, हमारी किस्मत की बत्ती गुल हो गई है। बत्ती हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताइए। हाँ बताओ। सच सच बताएंगे ना? हाँ, इसमें झूठ बोलने वाली हमें क्या जरूरत है? आपका सचमुच डाकुओं से सामना हुआ था? हाँ हाँ, ये गोली की चोट उसका ही सबूत है। आपने खाली हाथ दो दो डाकुओं को पछाड़ दिया? हाँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं था। फिर भी आप उनसे भिड़ गए, डरे नहीं? हाँ भिड़ गया, पता नहीं उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आ गई। आपको कुछ हो जाता तो आपा का क्या होता? आपको जरा ख्याल नहीं आया आपा का? आपको क्या पड़ी थी इतना खतरा मोल लेने की? जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। कुछ हुआ तो नहीं ना? अल्लाह का शुक्र करो, ये तो सब इस पट्टी का कसूर है। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे, बस इतनी मेहरबानी करना कि अपनी बहन को कुछ मत बताना। चलिए नहीं बताती, आप जाइए आराम कीजिए। सलमा, शर्फू, जरा बावर्ची खाने में आना। आई अम्मी। कौन कौन? अरे तुम तो खाला के वहां गई थी। नहीं तो, मैं बगल के कमरे में सो रही थी।
आपके हाथ में क्या हुआ? ये पट्टी कैसे बांधी है? यकीन माने, एकदम से लगा मानो मुझे गोली लग गई हो। ना दुआ ना सलाम, आते ही पट्टी को लेकर वैसा ही सवाल दाग दिया जैसे सभी ने दागा था। कान पकड़कर कसम खाता कि चाहे सचमुच गोली लग जाए पर पट्टी कभी नहीं बांधूंगा। खुदा मेरे इरादे की लाज रखे। तीन महीने